जो मर्द औरत की अदना कमज़ोरियों को मुआफ़ नहीं करता, वो उसकी आला खूबियों से कभी बहरावर नहीं होता। मायूसी हमारी बसीरत और समात को मफलूज कर देती है। हमारी जहालतों में सबसे बड़ी जहालत ये है कि हम अपने इल्म का सबूत दूसरों की जहालत में ढूंढते हैं। गम का बेहतरीन इलाज मसरूफियत है। भलाई का वो काम जो अपनी तारीफ करके किया जाए, लानत का पेश खेमा है। एक बूढ़े के आंसू जवान के आंसू से ज़्यादा असर अंगेज होते हैं, कि ये इसके जिस्म की आखिरी पूंजी होते हैं। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया है, तो यकीन करो तुमने सबसे बड़ा फ़न सीख लिया है। गुजरा हुआ कल सिर्फ आज की याद है और आने वाला कल आज का ख्वाब है। लोग बातें उस वक्त करते हैं जब ख्यालात में सुकून बाकी नहीं रहता। बास लोग ऐसे भी होते हैं जो बग़ैर सोचे बातें करते हैं और ऐसी सच्ची बातों का इजहार भी कर देते हैं जो वो खुद नहीं समझते। मकतूल के लिए यही फ़ख्र बहुत है कि वो कातिल नहीं है। अगर तुम मोहब्बत के साथ नहीं बल्कि नापसंदीदगी के साथ ही काम कर सकते हो, तो इससे बेहतर ये है कि तुम अपना काम छोड़ दो और मंदिर के दरवाज़े पर बैठकर उन लोगों से खैरात लो जो मुसर्रत के साथ काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सरों को इतना बुलंद कर लेते हैं कि पहाड़ों की चोटियां नीचे रह जाती हैं, लेकिन इनकी रूहों की पैमाइश करो तो तुम्हें महसूस होगा कि वो अभी तक तारीख गारों में रेंग रहे हैं। जज्बात और एहसासात से आरी दिल की गहराइयों में छुपी हुई तारीकी और स्याही का दूसरा नाम जहन्नम है। नई बुनियादें वही भर सकता है जो इस बात से वाकिफ हो कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई हैं। तन्हाई की जिंदगी बसर करने के माना ये हैं कि जिस्म और रूह को आज़ार पहुंचाया जाए और अपने रुझानात को मुर्दा कर दिया जाए। जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिसमें न फूल हो न फल। इंसान का आज़्म फिक्र की सतह पर तैरते हुए साए की तरह है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बात तो समंदर की तरह करते हैं, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी गंदे और बदबूदार जौहर से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। बीज डालने वाला चाहे कितना ही अकलमंद क्यों ना हो, लेकिन वो खिजा में खेत हरा भरा नहीं कर सकता।